5 लाख तक का पर्सनल लोन आपको मिल सकता है सिर्फ 5 मिनट के अंदर। दोस्तों स्वागत है आप सबका आज के और एक शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अगर आप 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके क्या क्या कंडीशंस हैं, इसके लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में हर एक चीज इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, दोस्तों चलिए हम एक चीज जान लेते हैं कि आखिर पर्सनल लोन होता क्या है। जो भी पर्सनल लोन के बारे में पहली बार सुन रहे हैं ताकि उनका भी डाउट क्लियर हो सके। दोस्तों लोन जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है दोस्तों सिक्योर्ड लोन, दूसरा होता है दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन। अब सिक्योर्ड लोन में क्या होता है दोस्तों, आप अपने पास कोई भी जो भी चीज़ है आपके पास, कोई भी प्रॉपर्टी हो गया, उसको बैंक के पास गिरवी रखते हैं और बदले में उसका वैल्यूएशन करके बैंक आपको कुछ पैसा उधार देता है और उस केस में हम हर महीने कुछ ना कुछ EMI बैंक को देते हैं। ये हो गया दोस्तों सिक्योर्ड लोन। अब इसको सिक्योर्ड लोन क्यों कहा जाता है, मान लीजिए मेरे पास कोई एक जमीन है जिसका वैल्यूएशन है 20 लाख रुपए, उसको मैं बैंक के पास गिरवी रखता हूँ, बैंक से मैं 15 लाख रुपए उधार लाता हूँ, जिसके चलते हर महीने मुझे कुछ कुछ EMI बैंक को देना है। मान लीजिए किसी कारण मैं बैंक को पैसा नहीं देता तो बैंक उसको किस तरह से रिकवर करेगी, वो मेरा जो प्रॉपर्टी का पेपर मैं बैंक के पास गिरवी रखा था उसको बेच के बैंक रिकवर कर लेगी। अब अनसिक्योर्ड लोन में कैसा क्या होता है दोस्तों, अनसिक्योर्ड लोन एक ऐसा लोन है जो कि बैंक आपको अपने भरोसे के चलते देती है, उस भरोसे का नाम है दोस्तों सिबिल स्कोर। दोस्तों जैसे ही आपको पता होगा कि अगर हम किसी भी बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं तो बैंक जो सबसे पहला चीज देखती है वो होता है अपना सिबिल स्कोर। आपका सिबिल स्कोर जितना अच्छा होगा उस सिबिल स्कोर के हिसाब से बैंक आपको लोन देती है। तो दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन के बारे में। दोस्तों अगर आप 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो कम से कम 25,000 होनी चाहिए। 25-30,000 के आसपास अगर आपकी सैलरी है तो आपको 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन आराम से मिल जाएगा। अब आते हैं दोस्तों इसके लिए आपकी एज कितनी चाहिए। आज आपकी जो एज है दोस्तों वो कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 65 से 70 साल होनी चाहिए। कुछ बैंक इसको 65 ईयर्स तक देते हैं, कुछ बैंक इसको 70 साल तक देते हैं। बात करें डॉक्यूमेंट्स की तो दोस्तों वैसे तो पर्सनल लोन के लिए इतना कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, बस आपको अपना KYC डॉक्यूमेंट जैसे कि अपना पान कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया वगैरह वगैरह आप बैंक को सबमिट कर सकते हैं। अब क्यों, जिस बैंक से आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं उस बैंक पे अगर आपका बैंक खाता है, जो कि अगर आपका सैलरीड अकाउंट है, तो उस केस में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि बैंक के पास ऑलरेडी आपका आधार, आपका पैन का पूरा डिटेल है। अब दोस्तों अगर आप ITR फाइल करते हैं तो उस केस में आपको इजीली पर्सनल लोन मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, दोस्तों ITR का मतलब ये है दोस्तों कि आप पिछले एक साल में जितना भी अपने पैसा कमाया है उसका ब्यौरा आप टैक्स डिपार्टमेंट को दे रहे हो, तो वहां से अगर आप अपना ITR का स्लिप बैंक को दिखाते हैं तो उसको आपको अंदाजा हो जाता है, बैंक को ये अंदाजा हो जाता है कि ये जो सामने वाला पर्सन जो पर्सनल लोन लेना चाहते हैं उनका मंथली इनकम कितना है या फिर ईयरली इनकम कितना है। बैंक जितना भी पैसा आपको देगा क्या आप उसको रीपेमेंट करने के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो, इसको अंदाजा करके आपका सिबिल स्कोर को देख के वो आपका डिसाइड करते हैं कि आपको कितना लोन मिलेगा। दोस्तों अगर आपका सैलरी जैसे कि हमने बताया 25 से 30,000 के बीच में है और अगर आपके सिबिल स्कोर 750 से 800 के बीच में है तो आपको आराम से 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों कि इसके लिए क्या गारंटर चाहिए, नहीं दोस्तों पर्सनल लोन के लिए आपको कोई भी गारंटी, कोई भी सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये जो पर्सनल लोन है वो बैंक आपको सिर्फ और सिर्फ आपके भरोसे पे देता है और भरोसे कैसे होगा, आपका सिबिल स्कोर देख के या फिर अपना पिछले पास्ट लोन रिकॉर्ड देख के। अगर आप सबसे पहली बार अगर पर्सनल लोन ले रहे हैं तो इतना ज़्यादा अमाउंट 5 लाख रुपए अमाउंट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। आप अगर एक बैंक से 2-3 बार लोन ले चुके हैं तो धीरे धीरे वो आपके ऊपर भरोसा करके लोन का अमाउंट भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं दोस्तों ये चीज के ऊपर कि इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों पर्सनल लोन जो होता है एक तो बैंक से प्री अफोर्ड होता है जिसको हम प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन भी बोलते हैं। मुझे 1,80,000 का पर्सनल लोन का ऑफर आया है, अगर मैं चाहूँ तो इस लोन को लेने के लिए सिर्फ मुझे 2 मिनट लगेंगे दोस्तों। ये जो होता है दोस्तों ये मैं क्रेड ऐप से मुझे ऑफर आया है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि क्रेड ऐप क्रेडिट कार्ड के लिए यूज करते हैं, तो मैं अभी क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ HDFC बैंक का, पिछले 2 साल से यूज कर रहा हूँ दोस्तों। तो क्रेड की तरफ से मुझे 1,80,000 रुपये का
ऑफर आया है दोस्तों। अगर आप चाहें तो मैं आपको यहाँ पे एक लिंक दे रहा हूँ, जो भी मैंने अपने 1,80,000 लोन ऑफर के बारे में वहाँ पे डिटेल में बताया है कि मैंने ऐसा क्या किया जिसके वजह से मुझे ये ऑफर मिला, उस वीडियो का आप चाहें तो देख सकते हैं। लिंक मिल जाएगा आपको ऊपर आई बटन पे और नीचे कमेंट सेक्शन पे आपको मिल जाएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, अब इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अप्लाई करने का दो तरीका होता है, एक होता है ऑफलाइन, दूसरा होता है ऑनलाइन। मैं प्रीफर करता हूं दोस्तों ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है दोस्तों, देखिए बैंक का जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बदलते रहते हैं। ऑनलाइन में कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं या फिर कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो एक बार पढ़ने से टर्म्स एंड कंडीशन हमें ठीक से समझ में नहीं आता है। कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को नहीं भी आ सकता है। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि हम लीगली उतना हमें नहीं पता, लीगल टर्म्स के बारे में हम उतना अवेयर नहीं है। मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा होगा, वहाँ पे कुछ ऐसा टर्म्स लिखा होगा जिसके बारे में हम उसको ठीक से समझ में नहीं आता है। उस केस में अगर आप दोस्तों बैंक को जाते हैं और वहाँ पे लोग पर्सनल लोन का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके अपना सारा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देते हैं और वहाँ पे कुछ भी डाउट होगा तो आप उनको पूछ सकते हैं। इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि जब भी आप कोई भी लोन लेंगे, देखिए दोस्तों आप लोन लेंगे पैसा आपको देना है, तो आप घर बैठे अगर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो वो बेटर है। पर अगर आप बैंक को फिजिकली जाके वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपके मन में कुछ अगर कोई भी डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मेरी राय ये है कि आप बैंक को जाके अप्लाई करें। अब आता है दोस्तों ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना बहुत ईजी है दोस्तों। आपका बैंक अकाउंट जिस भी बैंक में है उस अकाउंट का वेबसाइट खोलिए, अपने नेट बैंकिंग के पे लॉगिन कीजिए और वहाँ पे पर्सनल लोन के सेक्शन में जाके आप एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करके उसके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करेंगे दोस्तों, बैंक की तरफ से आपको एक वेरिफिकेशन कॉल आएगा। वहाँ पे उस तरफ जो भी लोन मैनेजर होंगे या फिर कोई भी बैंक के कर्मचारी होंगे वो आपका वेरिफिकेशन डिटेल पूरा वेरीफाई करेंगे। ये पूछेंगे कि पर्सनल लोन क्यों चाहिए, उसका रीजन वगैरह आपको जानेंगे। अगर अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आपको आपका पैसा मिल जाएगा। अब आते हैं दोस्तों ऑफलाइन के बारे में। ऑफलाइन अगर आप अपना पर्सनल लोन का एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो आपको फिजिकली बैंक के किसी ब्रांच में जाना पड़ेगा। वहाँ पे वो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे और वहाँ पे डालेंगे। वहाँ पे दोस्तों आपको अपना सैलरी स्लिप भी डालना जरूरी होता है। पिछले महीने का आपका सैलरी स्लिप या फिर आप अपना पिछले 1-2 साल का ITR दे देते हैं। तो अगर आप अपना सैलरी स्लिप और ITR देते हैं और आपका ट्रैक रिकॉर्ड यानी कि आपका सिविल स्कोर अच्छा है 750 से 800 के बीच में, तो दोस्तों आपको अच्छा खासा पर्सनल लोन मिल जाएगा। अब आते हैं दोस्तों इसका इंटरेस्ट रेट के ऊपर। दोस्तों इंटरेस्ट रेट बैंक टू बैंक वेरी करता है, पर अगर हम फ्लैट इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करें तो पर्सनल लोन का जो फ्लैट इंटरेस्ट रेट है वो लगभग 12 से 13% में आ जाता है दोस्तों। दोस्तों जो आप पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट देखते हैं 20%, 19%, 24%, वो फ्लैट इंटरेस्ट नहीं होता है। फ्लैट इंटरेस्ट मतलब दोस्तों, मान लीजिए आप 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद आप कितना पेमेंट करेंगे। मान लीजिए 5 लाख आपने लोन लिया, लोन पेमेंट करेंगे 7 लाख, तो 5 लाख के ऊपर ब्याज गिरता है दोस्तों 2 लाख रुपए, तो वो 2 लाख हो गया आपका इंटरेस्ट। उसके ऊपर अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और उसको महीने में डिवाइड करते हैं तो उसका हम बोलते हैं फ्लैट इंटरेस्ट रेट। अब आते हैं दोस्तों पर्सनल लोन के EMI के ऊपर। दोस्तों पर्सनल लोन अगर आप लेते हैं, क्योंकि पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट है वो दूसरे लोन के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है, 4-5% ज़्यादा होता है। जैसे कि हाउसिंग लोन आ गया, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट आपको 8 से 9% के बीच में मिल जाएगा, पर पर्सनल लोन 12-13% के बीच में, तो ये 3-4% आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। इसलिए पर्सनल लोन का जो टेन्योर है, मतलब आप जो कितने साल के लिए लोन लेंगे, वो जितना कम रखेंगे आपको उतना कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पर्सनल लोन दोस्तों आप 1 साल से 6 साल के बीच में ले सकते हैं, पर अगर आप 2 से 3 साल के बीच में अगर अपना EMI पे कर सकते हैं तो वो बेटर है। अब और एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्या आप पर्सनल लोन को प्री पेमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया है 2023 में, 5 साल के लिए लिया है, तो 2023 में अगर आपने लोन लिया है तो लोन चुकाएंगे आप 2028 तक। पर आपको कहीं पे कुछ पैसा मिल गया या फिर आपका इंक्रीमेंट हो गया, कुछ बोनस हो गया, तो उस पैसे को क्या आप अपने पर्सनल लोन को चुकाने में यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जरूर कर सकते हैं। उसके वजह से अगर आप पर्सनल लोन में प्री पेमेंट करते हैं तो आपकी EMI पीरियड घट जाती है और आपका इंटरेस्ट भी घट जाता है। अब आते हैं दोस्तों कि कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि क्योंकि पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन होता है, अगर हमने बैंक से लोन ले लिया और पेमेंट नहीं करेंगे
तो क्या हो जाना है। तो उस केस में दोस्तों अगर आप अपने पेमेंट नहीं करेंगे तो पहले महीने में अगर आप अपना पेमेंट नहीं करेंगे तो बैंक आपको सिंपली एक मैसेज भेजेगा कि भैया आपने अपना पर्सनल लोन का ईएमआई पेमेंट नहीं किया है, कृपया पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद अगर आप कंटिन्यू 2-3 महीने में पेमेंट नहीं करते हैं तो दोस्तों बैंक आपके लिए एक लीगल नोटिस भेज सकता है आपको और आपके जो सिबिल स्कोर है उसको डाउन कर सकता है। दोस्तों अगर आपका सिबिल स्कोर एक बार डाउन हो गया तो उसको इम्प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है दोस्तों, क्योंकि आपने पिछले एक बैंक से लोन लिया है और उसको चुकता नहीं किया, इसलिए आपका सिबिल स्कोर डाउन हो गया। अब अगले फ्यूचर में अगर आप किसी भी तरह का लोन लेते हैं तो उस केस में लोन लेना बहुत डिफिकल्ट है, आपको मिलना ज़्यादातर चांसेस यही है कि आपका लोन सैंक्शन नहीं होगा, और अगर सैंक्शन हो भी गया तो दोस्तों आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा होगा। और अगर आप पर्सनल लोन को डिफॉल्ट करते हैं तो सेकेंड टाइम पर्सनल लोन आपको मान लीजिए नहीं मिलेगा, किसी भी बैंक से नहीं मिलेगा। अब आता है दोस्तों कि अगर आप अपने ईएमआई को ठीक से पेमेंट कर देते हैं तो आपका सिबिल स्कोर बढ़ेगा और अगले टाइम जब भी आप लोन लेंगे तो आपको फटाक से लोन मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमने पर्सनल लोन के लिए कुछ डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो में कुछ भी आपका डाउट रहा तो आप हमें कमेंट में कमेंट कीजिए, जितना जल्दी हो सके हम उसको आंसर देने की कोशिश करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।